अस्सलाम वालेकुम, HNN न्यूज़ के साथ मैं हूं परवीन अंजुम। खबर शामिल करेंगे जद्दा से, जहां मुस्लिम लीग नून की जानिब से जश्न आज़ादी के सिलसिले में रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में पार्टी के अहदेदारान और कारकुनान ने शिरकत की। जश्न आज़ादी तकरीब के मेहमान खसूसी कायम मकाम सदर सऊदी अरब फारूक अंजुम ने शिरकत की। तकरीब की सदारत करते हुए चेयरमैन मुस्लिम लीग नून चौधरी अकरम ने खिताब करते हुए कहा कि आज़ादी से बड़ी कोई नेमत नहीं, हमें इसकी कदर करनी चाहिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग एक ऐसी जमात है जो न सिर्फ पाकिस्तान की जमात है बल्कि तरक्की और जामन की भी जमात है। हम 74 साल का अगर दौर देखें तो तरक्की और खुशहाली सिर्फ नून लीग के दौर में नजर आएगी। सरपरस्त आला मसूद अहमद पूरी, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद नूर अराइन, सेठ आबिद, मियाँ रिजवान हक, एहसान इलाही गुजर और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि सालों में हमारी 2 नहीं 3 नस्लें और अवर सीरीज में मेहनत करके थक गई हैं, वापस अपने मुल्क में नहीं जा सके। 74 सालों की इस तरक्की का एक ही रास्ता है, वोट को इज्जत दो। जब तक वोट को इज्जत नहीं मिलती हम अपने मुल्क में वापस नहीं जा सकते। तकरीब में मारूफ पाकिस्तानी सिंगर नेम सिंधी ने मिली नगमे गाकर तकरीब को 4 चांद लगा दिए और आखिर में सब ने मिलकर आज़ादी का केक भी काटा।